कांग्रेस के 6 दिन बाद भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। भाजपा ने 8वीं बार राम मंदिर का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए वे संवैधानिक दायरे में रहकर संभावनाएं तलाशेगी। भाजपा ने गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने की कांग्रेस की न्याय योजना के जवाब में पेंशन का वादा किया है। भाजपा ने कहा है कि दोबारा सत्ता में आने पर वे छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों को पेंशन देगी। कांग्रेस ने 10 करोड़ वोटरों के लिए न्याय का वादा किया। भाजपा 15 करोड़ लोगों को पेंशन से लुभाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख वादा न्याय योजना का है। इसके तहत 5 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसका फायदा 20 करोड़ गरीबों को मिल सकता है, लेकिन इनमें से गरीब वोटर करीब 10 करोड़ हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इसी योजना के जवाब में भाजपा ने पेंशन का वादा किया है। यह पेंशन 12 करोड़ छोटे किसानों और 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को दी जाएगी। इन 15 करोड़ में से वोटर कितने हैं, यह साफ नहीं है। कांग्रेस ने जहां न्याय योजना की संक्षिप्त रूपरेखा बताई थी, वहीं भाजपा ने पेंशन योजना का मसौदा नहीं बताया है। 1999 में भाजपा के 3 प्रमुख मुद्दे घोषणा पत्र से गायब रहे। भाजपा का यह 10वां लोकसभा चुनाव है। इनमें से 8 बार भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अनुच्छेद 370 का जिक्र किया है। भाजपा ने पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। उस वक्त के घोषणा पत्र में भाजपा ने सिर्फ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही थी। इसके बाद भाजपा ने 1989 से लेकर 1998 तक लगातार 4 लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र में तीनों मुद्दों को शामिल किया। हालांकि 1999 के आम चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र से ये तीनों मुद्दे गायब रहे। इसी साल भाजपा ने 182 सीटें जीती और पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 2004 के घोषणा पत्र में भाजपा ने फिर से तीनों मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पहली बार घोषणा पत्र में गाय नहीं, यह पहला मौका है जब भाजपा के घोषणा पत्र में गाय का जिक्र नहीं है। इससे पहले 1984 से लेकर 2014 तक अपने 9 चुनावी घोषणा पत्र में हर बार भाजपा ने गौ रक्षा और गौ संवर्धन का जिक्र किया था। इनमें गौ हत्या पर बैन लगाने से लेकर गौशालाओं के विकास के कई वादे शामिल रहे।